आज जाने की तैयारी हो रही है? आज आ रही हूँ, थोड़ा शॉपिंग सोच रही हूँ कर लूँ। बहुत दिन हो गया है, कुछ मुझे बेकरी का सामान खरीदना था। और यार बारिश रोज होती है, आज भी हुई है, आज थोड़ा कम हुई है, मतलब शाम के टाइम पर रोज होती थी तो आज नहीं हुई है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं कुछ। तो ऐसे ही जाओ कि मास्क अरे वास्क? नहीं नहीं मास्क भी है मेरे पास, बिना मास्क बिना हेलमेट बिना कोई प्रिकॉशन लिए ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगी। ओके ठीक है चलो। हाँ बच्चों को आप संभालिएगा, मैं शॉपिंग करके आती हूँ, ठीक है? ज्यादा टाइम मत लगाना। हाँ ठीक है। ओके तुमको स्नेक लैडर बोर्ड ये क्या होता है? केक बनता है उससे? नहीं हाँ खेलना होता है। अच्छा गेम होता है। हाँ ओके इसलिए हमें चाहिए था। तो मैं पहुंच गई हूं बेकर स्मार्ट अपने शॉपिंग करने के लिए। ये बिल्डिंग जो है उसमें सबसे नीचे की साइड में डोमिनोज है, ऊपर के साइड में ही ये शॉप है। आपको ऊपर आना पड़ेगा स्टेयर से। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने दिखाया है आपको ये केक नोज़ल्स है। तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर नोज़ल्स मिल जाएंगे, सब अलग अलग तरीके के, और लगभग 35 रुपीज़ के सारे हैं। और ये बड़े वाले नोज़ल्स हैं इसमें कुछ, तो ये सारे ये नोज़ल्स का ही ये देख सकते हैं रैक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं ये सारे के सारे। और ये केक की नाइफ्स है, तो ये पूरा सेट है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये सारे बेकिंग टिन्स हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस के हैं। तो इस तरीके से देखिए ये सारे ये जो बेकिंग टिन्स ही हैं, और इसमें से कुछ सिलिकॉन वाले हैं, ये डॉल वाला भी है। और सभी की प्राइसेस अलग अलग हैं। ये लोफ वाला है जो हम ब्रेड बनाते हैं ना, वो वाली ये ब्रेड वाली टिन है, और इसकी जो प्राइस है वो 226 रुपीज़ है के आसपास है। यहाँ पर ये मफिन ट्रेज हैं, ये सारे सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, सभी की प्राइसेस अलग अलग हैं। ये एक टेडी बेयर शेप का है और इसकी जो प्राइस है वो 220 रुपीज़ है। और यहाँ पर ये देखिए ये क्रीम ऑफ टार्टर और फ्लैग सीड्स वगैरह वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये सारे रॉ मटेरियल्स ही हैं। और ये कोको पाउडर भी है, ये लगभग 1 kg का है, 720 रुपीज़ का है 1 kg का पैक। और इसी तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर ये रॉ मटेरियल्स हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, जिसको जो भी चीज़ें चाहिए होता है वो अपना उस हिसाब से यहाँ से पिक कर लेता है। और ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं कटे हुए। और ये देखिए यहाँ पर है ये शुगर की बनी हुई फ्लावर्स और हार्ट शेप के हैं, ये सभी शुगर की बनी हुई है जो हम केक डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं चीज़ें। ये देखिए ये जैसे कि प्रिंसेस केक हमने बनाया या फिर एनिवर्सरी के लिए केक बनाया, ये सारी चीज़ें उस पर डेकोरेट करने के लिए होते हैं, सारी एडिबल हैं, शुगर की बनी हुई है, इसे हम खा भी सकते हैं। अलग अलग इनके सभी के प्राइजेस हैं, लगभग 90 रुपीज़ से ये चालू होते हैं। और ये शुगर बॉल्स हैं, अलग अलग सभी के रेट्स हैं इसमें। और ये हैं केक बोर्ड्स, तो लगभग ये 10 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं और साइज़ के हिसाब से इनका सभी का प्राइसेस बढ़ते रहता है। तो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के ये केक बोर्ड्स हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये कपकेक्स हैं, कपकेक मोल्ड्स, सिलिकॉन के पेपर कप्स, मफिन्स बनाने के जो भी मोल्ड्स आते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइज़ के, और सभी के प्राइसेस बिल्कुल अलग अलग हैं, सभी के साइजेस और प्राइजेस अलग अलग ही हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये जो है वो स्ट्रॉ है, हाँ स्ट्रॉ है, बाकी ये मोल्ड्स हैं जो हम लोग फॉन्डेंट केक बनाते हैं उसके मोल्ड्स हैं, उसके इक्विपमेंट्स हैं, छोटे छोटे चॉकलेट मोल्ड्स है ये, और इस पर तो प्राइस ही नहीं लिखा था। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जैसे कि रिबन वगैरह होती है, वही सारी चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर ये लगभग चॉकलेट मोल्ड्स हैं ये सारे के सारे, और सभी का प्राइसेस अलग है, एक एक दिखाने लगती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। यहाँ पर देखिए ये मोल्ड्स हैं जो हम लोग कुकी कटर जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें हैं यहाँ पर, और बेसिकली ये फॉन्डेंट केक में ही यूज़ होते हैं ये सारे चीज़ें, ये सारे जो टूल्स हैं।
और ये एक पेपर केक मोल्ड है, 60 रुपीज़ का है ये। बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये स्टेनलेस स्टील के मेजरिंग कप्स हैं, 176 रुपीज़ का है ये कप का सेट। और यहाँ पर ये नाइफ़ और पैलेट नाइफ्स हैं, अलग अलग शेप्स के हैं, मतलब छोटे तो नहीं थे इस वक्त, बड़े वाले हैं। ये स्क्रैपर है और सभी के प्राइसेस अलग अलग है। ये पैलेट नाइफ्स है, लगभग 250 रुपये का ये पैलेट नाइफ था। तो अलग अलग पैलेट नाइफ, अलग अलग साइज़ के ब्रेड नाइफ यहाँ पर थे। और यहाँ पर ये चॉकलेट कंपाउंड भी थे, वाइट, डार्क और मिल्क कंपाउंड, सभी तरीके के चॉकलेट्स भी यहाँ पर हैं। और ये कलर्स हैं डिब्बियों में, ये पाउडर्ड कलर्स हैं, तो और इनके पास लिक्विड कलर्स इस वक्त ख़त्म हो गए थे क्योंकि कोरोना की वजह से उनका स्टॉक नहीं आ पा रहा था। तो इस वक्त जब मैं गई थी तो ये पाउडर्ड ही वहाँ पर था अवेलेबल, तो लिक्विड भी वो रखते हैं वो लोग। और यहाँ पर है ये एसेंस की बॉटल, तो बड़ी बड़ी बॉटल्स थी, अलग अलग फ्लेवर्स की है ये, और इनका प्राइस 60 रुपीज़ है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और यहाँ पर है ये क्रशर्स, तो अलग अलग फ्रूट के क्रशर्स हैं ये, लगभग 200 रुपये के करीब ये पड़ रहे थे ये बॉटल्स। तो मेरी शॉपिंग हो गई है पूरी, मैंने कुछ सामान ले लिया है और मैं यहाँ पर बिलिंग करा रही हूँ। और ये देखिए, ये है एक ओवरव्यू इस शॉप का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, बस कोरोना की वजह से उनका स्टॉक उस वक्त आ नहीं पाया था। तो अब मैं निकल रही हूँ मेरे घर के लिए, शॉपिंग हो गई है मेरी पूरी। तो ये है एक चिंपैंजी, बड़ा क्यूट सा था वहाँ पर, तो वो भी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।